स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने टेंथ क्लास मैथ साइंस की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 करने थे। 1 और 2 मैंने आपको करवा दिए हैं। अब जो क्वेश्चन 3 है वो मैं आपको कराती हूँ। इसमें है कि फाइंड के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, 4x² + 3kx - 8 = 0, वो क्या है, इज 2। मीन्स कि ये जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के बाद वो क्या है, उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 2 के इक्वल। और हमने क्या करना है कि k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब ये जो है स्टार्ट वाला, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, उसके जितने भी पार्ट्स किए हैं वो उस तरह है। अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। उसी तरह हम क्या करेंगे, लेट a की वैल्यू क्या होगी, 4k, b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3k, और जो सी की वैल्यू हमारे पास वो क्या है, -8। ठीक है, अब उसी तरह हम वो फार्मूला लिखेंगे। हम क्या करेंगे, लेट, उससे पहले हम लिख देंगे फार्मूलाज जो, उससे पहले हम ये लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। अब उसकी जगह हम उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, बी है 3k है, तो -3k/a हमारे पास क्या है, 4k है, तो हम लिख देंगे 4k, ठीक है। तो ये k के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3/4। अब हम सेकंड करेंगे। सेकंड क्या है कि अल्फ़ा बीटा वो किसके इक्वल होगा, c/a के, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा की जगह हम उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सॉरी c/a की जगह। c की वैल्यू हमारे पास -8 थी और a की हमारे पास वैल्यू 4k है, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 × 4, 4 × 2 = 8, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू -2/k। अब जो स्टूडेंट्स उन लोगों ने क्वेश्चन में बोला है, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसको लिख देते हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वेयर। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वेयर किसका फार्मूला ओपन हो रहा है, यहाँ a प्लस बी होल के स्क्वेयर का अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको सॉल्व कर देंगे। a की वैल्यू यहाँ अल्फा है, b की वैल्यू यहाँ बीटा है, तो क्या हो जाएगा, a अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a और b, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया, ये अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2α और बीटा, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम लोग जो हैं, और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ जो है, हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या हमने निकाली थी, क्या हमने सॉल्व की थी, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू थी, मैं दोबारा वहाँ हम चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमने क्या सॉल्व की थी। ये देखिए, अल्फा और बीटा की हमारे पास वैल्यू -3/4 है, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, -3/4² इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस 2। अल्फा बीटा की अभी हमने की है सॉल्व, तो वो क्या है, -2/k, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब 3 × 3 = 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 4 = 16 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4/k, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम लोगों ने जो है इसकी सॉल्व करनी है, इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4/k, क्योंकि हमने बेसिकली k की वैल्यू हमने यहाँ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, सॉरी, हमने अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की करनी है, ये यहाँ आ गया 9/16, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब ये क्या हो जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/16, और यहाँ माइनस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये +4/k। अब इन दोनों का जो है वो क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है, क्योंकि डिवाइड में ये जब भी कोई प्लस या माइनस है डिवाइड के फॉर्म में, तो हमें पता लग जाता है कि हमने उसका एलसीएम लेना है, 16, और k हो जाएगा 16k, ठीक है, 16 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे, k रह जाएगा, k को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9k हो जाएगा। एलसीएम तो आप लोगों को आता होगा, k को k के साथ हम कैंसिल आउट कर देंगे, 4 × 16 = 64 होता है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई।
स्टूडेंट्स, ये तो मैंने इसको वैसे ही साथ लिख दिया था, ठीक है, लेकिन जो असल उन लोगों ने कहा था कि ये जो सम ऑफ द स्क्वायर है वो सॉल्व होने के बाद वो किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। तो हम इसको फिर हम किसके इक्वल लिखेंगे, 2 के इक्वल, 9 के प्लस 64 डिवाइडेड बाई 16 के इज इक्वल्स टू 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं 9 के प्लस 64 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू 2। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं, यही है 9k प्लस 64 डिवाइडेड बाई 16k इज इक्वल्स टू 2। अब ये जो है स्टूडेंट्स के 16k जो है यहाँ हम, क्योंकि हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है कि हम लोग या तो ऑपोजिट साइन के साथ अगर ये देखें डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं कि बोथ साइड्स पे, या यहाँ ये डायरेक्ट एक ही साइड पे हम इसको डायरेक्ट ले जाएंगे। हम इसको डायरेक्ट ले जाते हैं 9k प्लस 64 इज इक्वल्स टू 2, ये मल्टीप्लायर सॉरी डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 16 टू 32k, ठीक है। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने, यहाँ k की वैल्यू ये बड़ी है तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 9k प्लस 64 32k इधर ही रह जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो रहा है, यहाँ जाके ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 64 अपनी ही जगह पे रहा, ठीक है। अब 32 में से जो स्टूडेंट्स 9 माइनस होता है वो हो जाएगा 23 के इज इक्वल्स टू 64, के की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है 64, ये मल्टीप्लायर है, यहाँ जाके हो जाएगा 23 डिवाइड में। तो के की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आई है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो वो हमारे पास है 64 डिवाइडेड बाई 23। इसी तरह हमने स्टूडेंट्स जो है इसका दूसरा पार्ट करना है, वो आप लोग खुद करके देखिएगा, बहुत ईजी है, आप लोगों से हो जाएगा। थैंक यू।